इस फिल्म के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार या फिल्म के साथ जुड़े किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति, स्थान, क्षेत्र, देश, जाति, धर्म व समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। राष्ट्रहित में जनजागरण एवं अंधविश्वास को दूर करने के उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी चासे क्या फायदा उनको हमें मांडी उठा के। अरे जा तो मेरे बाएं हाथ को खेल है मांडी उठा के, जई तो करता रहा हूँ सालों से। काय दत्ता कोको फोन है तो अपने सखा जान हते मांडी उठा के का बोलत रहे। अरे जो कोरोना है ना, जा कोई महामारी बारी नहीं आ, जा हमारे समाज के साथ में कोई गद्दारी है मांडी उठा के। ऐसे कैसे कह दे दद्दा। ठहर बता तू। आए ना पांच दाने। पन दद्दा दूसरी जाति धर्म के सरकारी लोग भी तो मरत रहे ना। अरे तेके मालूम है ना कि गेहूं के साथ में घुन पे साथ है मांडी उठा के। ये तो सही बात है दद्दा। लेकिन दद्दा सरकार ने तो वैक्सीन ले आई है और फ्री में लगाए रही है। अरे जा हमारे आदिवासी समाज को मेटान की साजिश है मांडी उठा के। वो कैसे? देखे तो मालूम है कि वैक्सीन लगाने के बाद में बुखार आता है और कौन मर रहे हैं में। अरे हमारे आदिवासी समाज के सखा जन मर रहे हैं मांडी उठा के। वो इकाए मर रहे हैं। बता तू, हम आदिवासी समाज के लोग जंगल पहाड़ में रहते हैं, रूखो सूखो जो मिले पेजा पी कर हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं कि नहीं। और जिनके पास में पैसों की भरमार है वह वैक्सीन लगा कर फट से अपना इलाज करा लेते हैं, और हमें क्या मिला थे, एक ठिया गोली मांडी उठा के। ये बात सही कही तुमने। हमने तो हमारे घर में वैक्सीन नहीं लगन दी हमारे दाई दद्दा को, काहे कि हमारे बड़ा देव है ना सर्वशक्तिशाली कोई तूर के रक्षक है, और हम प्रकृति देव की जड़ी बूटी से सब बीमारी मिटा ले। ये तो सही बोला, मैं 3 साल का हो गया, बाल बच्चा भी हो गया, मैंने भंकाई कराया, जड़ी बूटी खाया, इंजेक्शन गोली नहीं लगाया। ठीक करी सुकरती दाई, पता है इंजेक्शन दवाई से ना जड़ी जंतर काम न करे। अरे जाई तो कह रहा हूँ कि वैक्सीन के बाद में बुखार आते लोग मर जाते हैं, और यदि अभी न मरे तो बाद में बीमार नहीं होंगे क्या, और बीमार होए तब क्या जड़ी जंतर मंतर काम आन की मांडी उठा के। सच्ची कहो दद्दा, जा तो हमने सोचिस नहीं। अरे जय तो एक साजिश है कि नहीं मांडी उठा के। अब तो हमें जे करना चाहिए, कोई आदिवासी वैक्सीन न लगावे, ले बात फैलाना पड़ेगी भैया। देख देख दड़बे ते मुर्गा हलाल होन लाई बाहर आ रहा है।
कौन सुरेश फुक्कड़ होगा वह अबे का करेगा। भोपाल में है तो तबई जल बे हते जहाँ तो काम चल रहा है कच्ची फसा के। जय सेवा सगजन। जय सेवा भैया। अरे दीनू जग्गा तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो यार। अब का करे भैया लॉकडाउन में घूमते पड़े हैं। अब तुम ही मूड बनाओ तबई मूड बने हैं कच्ची फसा के। कहाँ यार 5-6 दिन हो गए हैं घर में तेल और नमक के टोटे हैं कहाँ मूड वूड बनाऊं। तुमको तो पता है जब भी भोपाल से लौटा जेब में नोट की गड्डी रही लेकिन अब गांव में भी सब ही बंद है भैया पैसा है तो कहां से। अब जिए या मरे कमाना तो पड़ेगा भूखे भी तो मर ही रहे हैं इसलिए यार सोच रहा हूं कि वैक्सीन लगवा लेता हूं और चला जाता हूं। वैक्सीन नहीं 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 भैया वैक्सीन मत ही लगाने 4 दिन जीन वाले 2 ही दिन में सटक महादेव हो जा रहे। ऐसा नहीं है यार पर सुना तो है कि बुखार बहुत तेजी से आता है। देखो सगाजन कोरोना होए चाहे ना होए बुखार आए चाहे ना आए हम सब आई के तो मर नहीं है तो काहे वैक्सीन टुचवा के जल्दी मरे कच्ची फसा के। यही बात तो सुकाली भूमका सबको समझा रहो थो कि हम आदिवासी को प्रकृति देव बड़ा देव को अपमान नहीं करना चाहिए वैक्सीन लगवाएंगे तो बड़ा देव गुस्सा हो जाएगो। जे बड़ी बड़ी बात तो सुकाली दद्दा ही जाने हमें तो इतनो पता है कि वैक्सीन नहीं लगाने हैं मतलब नहीं लगाने हैं कच्ची फसा के। ये तुमने पर यार कोरोना रोज हजारों लोगों की जान ले रहा है हमको खतरा नहीं उठाना है इसलिए मैंने तो साल भर से मास्क नहीं उतारा। मास्क तो हमारी दाढ़ी में ही रहत है मास्क से का होत है कोरोना थोड़ी ना रुकत है बात तो पुलिस बार बार परेशान करत है जाके लाने हम मास्क पहन लेते कच्ची फसा के। मैंने तो करीब 2-3 हजार का सैनिटाइजर लगा डाला। सैनिटाइजर से का होत है अतड़ी थोड़ ना साफ होते कोरोना वायरस तो कहीं से भी घुस जाते है और घुस गाओ तो अतड़ी कौन सैनिटाइजर कर रहे थे कच्ची फसा के। तुम नहीं करो का। हाँ हाँ मैं तो कर रहा था सुबह शाम कच्ची फसा के। फिर देख सुरेश हम आदिवासी को मारने की साजिश है ये वैक्सीन। वो कैसे। अरे हमारे आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं ना कच्ची फसा के। लेकिन सरकार में हमारे आदिवासी बड़े बड़े नेता हैं और पुलिस में भी तो हमारे आदिवासी हैं वो काहे कुछ नहीं बोलते। अरे भाई एक बात बताता हूँ देखो जो का है ना लकड़ी काटन के लाने भी कुल्हाड़ी में लकड़ी का ही बेसा लगान पड़त है वैसे ही हमरे लोगों से हमें ही को मरवा रहे हैं। अब तू ही बता आज तेरो हाल का है अगर लॉकडाउन नहीं हो तो तू आतो का कर्जे में गड़तो का नहीं ना। आज अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल ले जाने के लाने पैसे भी नहीं हाँ कच्ची फसा के। अब पता चलो ना कुछ हमारे लोग ऐसे मर रहे हैं जो बचे तो वैक्सीन जानलेवा हो गई है लगा थी बुखार आ जाते कच्ची फसा के। बे काय मर रहे टचवा टचवा के। सही बात है भाई मैं नहीं लगवाने वाला वैक्सीन मुझे नहीं मरना और घर परिवार में भी सबको मना कर दूंगा कि वैक्सीन ना लगाए। गई मैं तंगरी सैया ने दूर कर लाए पलंगरी करोना। ओ सुकरती दाई कहाँ गई वो। अरे घर ही में था झाड़ू लगा रहा था। दाई 1 घंटे बाद वो समूह लोन वाले सर आ रहे हैं आ जाना। आने ना वो लॉकडाउन है हाँ? उसको शरम वरम नहीं आ रहा क्या कमाई धमाई हो नहीं रहा है पैसा कहाँ से देगा। दाई ले है तो देन तो पड़ेगा। मैंने भी 2-3 लोगों से मांगा था कल्लू को भी राम सिंह और जगन के पास पहुंचाया था अब नहीं मिला तो कहां से देगा। का करे दाई बहुत ही टेंशन हो गई है। करना क्या है लगा लेते हैं टीका बुखार आएगा मर जाएंगे लोन माफ। वैक्सीन तो लगाना च पड़ेगा सुना है जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनका गरीबी रेखा का गल्ला बंद हो जाएगा राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा और तो और कोई डॉक्टर भी नहीं आने वालों इलाज के लाने। देखना हमको मारने का पूरा जुगाड़ कर लिया है वैक्सीन लगाया तो भी मरा नहीं लगाया तो भी मरा। वो तो है सुनी तो मैं भी हूँ कल ही दूर गांव में एक आदमी अच्छा भला था वैक्सीन लगाया बुखार आया और सोया का सोया ही रह गया। हारी हमारा मरने को टाइम आ गया री। अरे नहीं नहीं दाई सब थोड़ी ना मर रहे है जिनका वो इमंटी अमंटी कोई सा पावर कम होता है ना वो ही मर रहे है बस। ये पावर आवर सब झूठ बात है हट्टा कट्टा किसानी करने वाले में पावर कम होते क्या वो भी बिना कोरोना वैक्सीन लगाया निपट गया। हाँ दाई सुनी तो मैं भी हूँ भाई कोरोना से मरे तो मरे पर वैक्सीन लगा के उपद के नहीं मरना है। उदास मत हो बहन सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो 2 महीने पहले ही से सबको समझा रहा हूँ
लेकिन ये जौहरी है ना, नहीं मानो तो चुआ लाओ। अब देखो ना, जब से खबर मिली है जाको कोरोना भाव है, मैंने सारे देवधामी को मनान की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ना माने। अब क्या करें दद्दा, हो नहीं है को कोटारे नटर। मगर अब सबको एक बात बता दे तू, जो देवधामी कहे भाई करण के, और नहीं बने ना मैं से पूछ लेना मांडी उठा के। अब चुप रहो दद्दा। अब मैं सबको कह दे तू, कोरोना काल भर में कोई भी गांव के बाहर नहीं जान के, और कोई को भी गांव के अंदर नहीं आन देन के मांडी उठा के। मान तो रहे हैं तुम्हारी बात को 70-75 गांव के सगजन, अब एक दो भटक गए तो का कर ले कच्ची फसा के। जय सेवा जय जोहार। बोल भाई सुकाली, का हो रहा है? अरे कछु नहीं दादा, जैसो करती है ना चक देवर जो जोहरी, कोरोना से चलो गए सारे गाँव के लोग दुखी हते, समझा रहो तो मांडी उठा के। ये तो है बड़ी भयंकर महामारी, दुख की बात तो है सगजन, पर क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं उनको बचाना है, मास्क लगाना है और खुद को भी बचाना है। सगजन मास्क ऐसा लगाएं कि नाक और मुंह दोनों ढका हो, और सैनिटाइजर का उपयोग करें, और सैनिटाइजर ना हो तो बार बार साबुन से हाथों को अच्छे से धोएं। और हाँ, गांव का कोई भी सगाजन ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीन ना लगा हो, सबको वैक्सीन लगाना है, देर नहीं करना। वाह दर्शमा कक्का, तुम तो कोया वंशी की भाषा छोड़ सरकारी बोली बोलन लगे हो कच्ची फसा के। अगर हमने वैक्सीन का टीका लगाया तो हमरे देवधामी गुस्सा नहीं हो जान के, उनको तो सब दिखता है, वो झट देख लेंगे कि हम उनकी बनाई हुई जड़ी जंतर छोड़ गैरों की बनाई हुई दवाई का टीका लगा रहे हैं कच्ची फसा के। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, किसने कहा तुमको कि देवधामी ऐसा करेंगे? दो महीने पहले ही सुकाली भूमका के पास सभी देवधामी ने रो रो के बताया है कक्का। अच्छा देखो सगजन, उसकी तो वो जाने, मैं तो इतना जानता हूँ कोई भी देवधामी किसी का बुरा नहीं करते हैं, और रही बात गैरजन का टीका, वो भी गलत बात। वो कैसे? ये जमीन ये आसमान किसने बनाया, बड़ा देव ने, प्रकृति देव ने, और ये दुनिया में रहने वाला उसी की संतान हुई, तो बड़ा देव की संतान गैर कैसे हुई? फिर एक बात ये सोचो, ये संसार बड़ा देव की मर्जी से चलता है, वो पालता है पैदा करता है, और जिसकी उम्र पूरी हो जाती उसको ले भी जाता है, तो सगाजन सब कुछ तो वही करता है, तो हम पर गुस्सा क्यों होगा? ये बात तो सही बोले दादा तुमने कच्ची फसा के। एक बात और सोचो, ये जड़ी बूटी किसने बनाई, बड़ा देव ने, और वैक्सीन जड़ी बूटी से ही तो बनी है ना, तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो बड़ा देव गुस्सा होगा कि नहीं? ये तो समझा, लेकिन कक्का जी वैक्सीन से लोग मर क्यों रहा है? भाई मैंने तो नहीं सुना कि कोई मरा हो, यदि ऐसा होता तो नेता डॉक्टर्स नर्स पुलिस वाले टीका नहीं लगवाते, क्या किसी के टीका से मरने की खबर आई? कक्का जी थोड़े दिन पहले ही सुनी, दूर गांव में एक किसान वैक्सीन लगाने से मर गया। अच्छा जिसने तुमको बताया उसने उस किसान का नाम बताया, उस गांव का नाम बताया, उसने कहां पढ़ा बताया? नहीं ना, ये सब अफवाह है, यदि टीका लगने से यदि कोई मरा होगा तो उसको बड़ी बीमारी होगी, टीका लगाने से कोई नहीं मरता, टीका लगाने से तो लोगों की जिंदगी बचती है। लेकिन ये सब जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं वो, उससे क्या होगा, कोरोना होगा तो मरेंगे हमारे ही लोग। खैर कोई बात नहीं, कल अपन सब आंगनवाड़ी केंद्र चलेंगे, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो मेरी बात मान के कल टीका लगाने चलोगे ना? चलेंगे तो, पर सोचेंगे वही कि टीका लगवाना है कि नहीं लगवाना है। अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं मिली तो मर थोड़ा जाएंगे। वो बात नहीं है यार, पर तूने सुना ना, वो सुकाली भूमका को ढेर सारे पैसों के साथ पुलिस ने पकड़ कर ले गई, वो हम सब सगाजनों को वैक्सीन के नाम पे भड़का रहा था, पर यार मोटी रकम किससे लेके रखा था इसका पता नहीं। जाने देना यार, अपनी को क्या करने हैं, जैसी करनी वैसी भरनी कच्ची फसा के। जाने तो देना ही पड़ेगा, और हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक 70-75 गांव के सगजन उसकी बात मानते थे, आखिर यार जाना माना भूमका था यार वो, पर वो लोभ में आके ऐसा करेगा सोचा नहीं था। कलयुग है किसी का भरोसा नहीं, अब देखते हैं ना कल की दर्शमा दद्दा हमरा अच्छा कर रहे हैं या बुरा कच्ची फंसा के। अरे नरस भाई आ गई। जय सेवा कक्का, जय सेवा, जय सेवा, जय जोहार। ये चमत्कार कैसा कक्का, हमारी आशा कार्यकर्ता सबको घर घर जाके समझा समझा के थक गई, तब कोई नहीं आया,
और आज सबके सब आ गए। खैर छोड़ो, पर कुछ लोगों ने तो इन्हें पत्थर मार के भगा दिया। सिस्टर जी, 70% लोग गांव में रहते हैं, बड़े भोले भाले हैं। जितना मैंने समझाना था समझाया, अब आपको समझाना है तभी ये वैक्सीन लगवाएंगे। हाँ क्यों नहीं। तो जैसे कि कक्का जी ने आप सभी को बताया कि आप सभी को वहम है कि वैक्सीन जान ले रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे वैक्सीन तो जीवन दायिनी है और सभी जाति धर्म के लोगों को एक जैसी वैक्सीन लग रही है। जब कोई नहीं मरा तो तुम लोग क्यों मरोगे? कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, नहीं ना? लेकिन नरस भाई, ये बुखार क्यों आता है? हाँ बुखार आता है। अच्छा ये बताओ रवि, जब तुम बहुत ज्यादा काम करते हो तो शरीर गर्म होता है ना, ठंड में भी पसीना आ जाता है। ठीक वैसे ही जब वैक्सीन शरीर के अंदर जाती है तो कई प्रकार की इम्यूनिटी बनाती है, इसीलिए हमें बुखार आ जाता है। समझे कि नहीं? बुखार क्यों आता है? अब तो नहीं डरोगे ना? अरे दाई पूछ रही है तो जे भी पूछ ले, जे मंटी मंटी। हाँ प्रेमवती पूछो, क्या पूछना है? डरो मत। नहीं वो पता नहीं इम्यूनिटी इम्यूनिटी का बकरा है। हाँ वही तो अब मैं बता रही हूँ, इसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत। तो ताकत चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। देखे ना, वैक्सीन हम सगा जन का भला कर रही है या बुरा? अरे दद्दा तुम तो टाइम पे आ गए कच्ची फंसा के, नहीं तो हम सब तो मरने की तैयारी करने लगे थे। भैया अब तो मैं सब सगा जन को पकड़ पकड़ के समझाऊंगा और सबको वैक्सीन लगवाऊंगा। सही बोले सुरेश। चलो अब सभी लोग अपना अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर रजिस्ट्रेशन कराओ, हम वैक्सीन लगाते हैं। अरे सुन रहे हो सभी सगा जन, अब्बाई की अब्बाई कसम खाओ कि हम सभी को बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, बार बार हाथ को सैनिटाइज करने हैं, मास्क पहनना है, वैक्सीन लगाना है और सभी को लगवाना है और अभियान चलाना है। टीकाकरण 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 कच्ची फंसा के।